आज आई एम ऑन द वे टू गिव माय नॉलेज टेस्ट, जो कि रिटन टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट से पहले देना पड़ता है। और इतनी अजीब सी और वियर्ड फीलिंग आ रही है कि इतने साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, 22 इयर्स का, फिर भी पहले नॉलेज टेस्ट देना है, फिर ड्राइविंग टेस्ट देना है, क्लासेस भी लेने हैं। और दुबई में जब लाइसेंस लिया था, तब रिटर्न टेस्ट नहीं था, अब वहाँ पर भी देना पड़ता है। सो मैंने डायरेक्ट ड्राइविंग दिया था वहाँ पे। सो आज लेट्स सी रिटर्न टेस्ट कैसे जाता है। ये है रजिस्ट्री, यहाँ पर एग्ज़ाम देना है। ये इतनी सारी सर्विसेज यहाँ रजिस्ट्री में होती है। बंद है अब, हम थोड़ा सा जल्दी पहुँचे हैं, 9 o'clock खुलेगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और क्लियर भी हो गया। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली होता है कि 30 क्वेश्चंस का पेपर होता है, टाइम लिमिट कोई होती नहीं है इसमें। सो आपको ओनली 5 मिस्टेक्स अलाउड है, तो मेरा एक ही हो गया एंड लेस देन 15 मिनट्स में टेस्ट हो गया था ख़त्म। सो इट वाज गुड। अब उसके बाद 2 weeks के लिए वेट करना है, उसके बाद टेम्प्ररी लाइसेंस आ जाएगा एंड उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट बुक करना है। थोड़ा सा ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी है। सो अब ड्राइविंग लेसन्स लेने हैं थोड़े से टेस्ट देने से पहले। तो थोड़ा सा केंसिंगटन स्ट्रीट घूमने निकले थे और बड़ी अच्छी लाइवली स्ट्रीट थी ये। दोनों साइड से रेस्टोरेंट्स बार थे यहाँ पे, और एक दो बार हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया था, बट आज हम प्रॉपर रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए बाहर निकले थे। मैक्सिकन रेस्टोरेंट में बैठे थे और अच्छा था, हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, टैकोज खाए थे और इट वॉज़ अ नाइस प्लेस। थोड़ा सा चेंज हो गया था हमको। और फिर वहाँ से निकलने के बाद एक बर्गर जॉइंट गए थे, फिर वहाँ से बर्गर्स खाए थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा वॉक अराउंड द स्ट्रीट, थोड़ा सा देखा यहाँ से, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ वगैरह दिख रही थी, एंड देन वी जस्ट वेंट अराउंड। यू वांट टू सी वेयर वी आर राइट नाउ, वेयर वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। एंड टुडे इज़ द डे, टुडे इज़ सैटरडे मॉर्निंग, और आज फाइनली हमारे कार की डिलीवरी मिलने वाली है। हमने 2-3 कार और भी देखे थे उसके बाद, होंडा ओडिसी भी देखी थी हमने। होंडा ओडिसी काफ़ी सिमिलर थी सियरा से, मगर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हमको उन्होंने बताया कि 23 का प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दिया है, पहली बात तो, और दूसरा वो हाइब्रिड नहीं थी, जबकि ये वाली हाइब्रिड है। प्लस संदीप का दिल इस कार पर आ गया था, उसको ये कलर भी यहीं चाहिए था, तो हमने फिर यहीं फाइनलाइज कर दी है, आज हमारी डिलीवरी है। सो लेट्स सी द कार, एंड दिस इज द कार, मिस्टर रैना इज चेकिंग इफ एवरीथिंग इज फाइन। वी आर सो एक्साइटेड टू टेक दिस कार। आज हमारा प्लान है कि अभी कार लेने के बाद स्वामीनारायण मंदिर है शायद यहाँ पे, तो हम कभी गए नहीं हैं, तो आज हम पहली बार जाएंगे वहाँ पे, मंदिर जाएंगे, और फिर वहाँ से हमारे कज़िन की डॉटर का फर्स्ट बर्थडे है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। एंड दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ दिस प्लेस कि नया कार परचेस होने के बाद ही निकल गए हम शोरूम से, और कितनी अमेजिंग फीलिंग है 2 महीने के बाद कार आई है हमारे पास। दुबई से निकलते हुए 2 महीने पहले कार बेच दी थी, संदीप के पास प्रेडो थी और मेरे पास RAV4 थी। आई थिंक हम टोयोटा के बड़े लॉयल कस्टमर्स हैं, और बस अभी निकले हैं एंड स्मूथ है एकदम गाड़ी चलाने में। इवन स्टार्ट करने के बाद पता ही नहीं चल रही है गाड़ी की, स्टार्ट भी हो गई है। सो गाड़ी लेके हम हिंदू सोसाइटी ऑफ कैलगरी के मंदिर में गए, और बहुत ही स्मोक था सब जगह पर, स्मेल आ रही थी स्मोक की, दिख भी रहा था एकदम से, एंड अंदर से तो शूटिंग लेना अलाउड नहीं था, तो हम कुछ अंदर से ले नहीं पाए, बट बड़ा प्यारा मंदिर था। वहाँ से फिर साइशा के बर्थडे पार्टी में गए हम, फर्स्ट बर्थडे था उसका, काफ़ी विंडी डे था, बट वी हैड फन एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड आई होप यू एन्जॉयड द व्लॉग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू।